तेलंगाना में हैदराबाद में रंगारेड्डी जिले में सुभाष नगर इलाके में एक सिख नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ और चौथी मंजिला से उसे फेंक दिया गया है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि अब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है और कानून की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई तेजी नहीं दिखाई दे रही है। हमारे दिल्ली के सिख भाइयों ने भी उनको अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज गुलबर्गा की पूरी हमारी प्रबंधक कमेटी, सब सरदार भाई सिख और हिंदू लोग सब मिलकर ये रैली जो है गुरुद्वारा से डीसी ऑफिस तक निकाले हैं और डीसी साहब को मेमोरेंडम दे रहे हैं कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट से दरखास्त की जाए कि लड़की को, उसके माँ बाप को इंसाफ मिले और उन अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। नहीं तो हम सब लोगों को मजबूर होना पड़ेगा कि हम हैदराबाद जाएं और रंगारेड्डी के उस इलाके में जाकर सड़कों पे उतरना पड़ेगा अपने इंसाफ की मांग करते हुए, क्योंकि ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। इसका जल्द से जल्द रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल इश्यू बनेगा और उसके बाद ये लोग रेस्पॉन्ड करेंगे। मैं चाहता हूँ कोई भी कम्युनिटी की लड़की हो, नेशनल इश्यू बनने से पहले ही इंसाफ मिलना चाहिए और अपराधियों को पकड़ना चाहिए। मैं जसवीर सिंह, बिजनेसमैन, सिंगर, और मेरे साथ हमारे सभी भाई जो गुरुद्वारे के मेंबर्स हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हिंदू कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी साथ दे रहे हैं। सबको इस लड़की के लिए इंसाफ चाहिए। बस डीसी साहब से और गवर्नमेंट से दरखास्त है कि जल्द से जल्द इंसाफ दे। बोले सो निहाल। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbu Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, SR Continental Hotel, and by Asian Mall. वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु के फतेह। ये हैदराबाद में क्या हो गया ऐसा, तीसरी मंजिल से बिल्डिंग पे से लड़के को घेरा गया। घेरने के बाद उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। उनको इंसाफ मिलना चाहिए, कानून के हिसाब से उनको क्या सजा हो वो फांसी होने चाहिए उनको, नहीं तो हम सब पूरे मिल के हैदराबाद आके और एक्स्ट्रा करेंगे। इधर भी एक्स्ट्रा चल रहा है कि ये बोलने का है कि सरकार से, गवर्नमेंट से जो भी उसका हिसाब उनको मिलना चाहिए न्याय, उसका कानून के हिसाब से। वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं गुलबर्गा कर्नाटक से जग्गू सिंह बात कर रहा हूँ। हैदराबाद जो सरकार है उनसे हमारी हाथ जोड़ने की विनती है, जो हमारी बच्ची के साथ हुआ है हैदराबाद में, उनको इंसाफ मिले जल्द से जल्द, नहीं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हैदराबाद भी जाएंगे, वहाँ पर उसको जरूर इंसाफ दिलाएंगे। हमारी सरकार से ही हाथ जोड़ने की विनती है, उसको इंसाफ मिले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबू फर्नीचर, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल, एसआर कॉन्टिनेंटल होटल एंड बाय एशियन मॉल।